से काफी रेसिस्ट नाम नहीं है काला नमक? हाथों से छीलते हैं या आप चाकू से क्यों काट रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आप? किनू काट रहे हैं? हम किनू काट रहे हैं जी। अच्छा, एक, एक लोग हाथों से छीलते हैं या आप चाकू से क्यों काट रहे हैं? स्टाइल है। अभी थोड़ी देर पहले आप कोल्ड कॉफी बना रहे थे, अब आप किनू काट रहे हैं। क्या मौसम के हिसाब से सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं? जी, जैसा सीजन है वैसा हम सब काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है ये इससे नाइफ से क्यों काट रहे हैं, हाथ से क्यों नहीं छील रहे? ऐसे जल्दी हो जाता है क्या? आपका क्या हाथ भी खराब नहीं होते उससे? हाथ भी खराब नहीं होते? हाथ नहीं खराब होते, तो आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए? उससे भी हाथ खराब नहीं होंगे? तो सुबह से पानी में काम करते हैं, हाथ साफ होते हैं हमारे। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो कहीं पानी दिख ही नहीं रहा मुझे। पानी है, वेरा मशीन बनी है। कहाँ है, कौन सी मशीन? गोला बनता है इसके अंदर, गोला बनता है। तो अभी तो नहीं बन रहा गोला, खाली पड़ी है मशीन। पहले बना लिया हमने। कब बनाया? अभी थोड़ी देर पहले। गोला तो खिलाया ही नहीं आपने? अब बोले वही खिला देंगे हम। बस ये जो है ना ऑरेंज जूस के लिए ये चीजें जरूरी होंगी जी। और फिर उसके बाद और क्या चीज चाहिए होती है ऑरेंज जूस बनाने के लिए? बर्फ डालेंगे इसके अंदर। ये वही ब्रांडेड बर्फ है जिसकी आप बात कर रहे थे जी? जी। और थोड़ा मसाला डालेंगे। कौन सा मसाला? होममेड मसाला है हमारा। कौन सा मसाला? काला नमक होता है। घर का खुद बनाते हैं। हाँ, काले नमक से तो ये मेल्ट नहीं हो जाता? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे काफी रेसिस्ट नाम नहीं है काला नमक। गोरा नमक आता है? हाँ, गोरा भी आता है, मिक्स होता है इसके अंदर। गोरा नमक भी है इसके अंदर? जी, इसके अंदर मिक्स होता है। तो काले और गोरे को मिला के कौन सा नमक बनता है? बन जाता है ग्रे, बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रे नमक बन जाता है। ग्रे ग्रे नमक जी। तो आप तो ये कह रहे हैं काला नमक है, लेकिन इसमें दूसरे हैं, दोनों मिले हुए हैं तो ग्रे नमक ग्रे है। हो गया ना वो। बट आप तो कह रहे हैं काला नमक है। काला नमक है, मिक्स हो गया, ग्रे हो गया। बट ये ग्रे कैसे हुआ फिर? हो गया, मिक्स हो गया। कैसे? मिक्स हो गया। अच्छा, मिक्स हो के हो गया, बट आपने तो कहा ये काला नमक है। अभी ग्रे मिक्स हो गया ना दोनों। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, किस तरीके से बनेगा ये जूस? वहाँ पे क्या लेने गए पीछे? ये फ्रेश करने का। क्या है ये? प्रेस करने के लिए। अच्छा, इसे क्रश करते हैं? जी। तो ये क्या मशीन है? ये जूस की मशीन है। जूस की मशीन है? ये मशीन कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती है। ये तो मर्डर कर रहे हैं वहाँ से आप इसका, क्या क्या खून मचाया है? अलग हो रहा है, जूस अलग निकल रहा है। क्या कचरा अलग हो रहा है इसका? हाँ, और जूस अलग हो रहा है इसका। अच्छा, कचरा अलग होके कहाँ जाता है और जूस कहाँ जाता है? साइड में जाता है, इसके साइड में जाता है। सब साइड में जाता है। फिर कचरे की सफाई कौन करता है? वह बंदा करने के लिए। अच्छा, वो करने के लिए भी अलग बंदा रखा है। माशाल्लाह, आपके पास काफी चीज है। और ये एक एक करके कितने किनू से एक जूस बन जाता है? चार किनू से बन जाता है। चार किनू से? और ये आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे फेस फाइव में? हमें हो गया 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल हो गए जी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस मौसम में जूस चलता है? गर्मियों में चलता है। गर्मियों में? तो सर्दियों में कीनू का जूस? सर्दी में मौसम होता है, सर्दी में चलाते हम। गर्मी में मौसम होता है, गर्मी में मौसम नहीं है इनका। हाँ, तो गर्मी में चलाते नहीं है। तो आप ये गर्मियों में भी तो कर सकते हैं फ्रीज करके या नहीं करते? ऐसा हिसाब किताब वो खराब हो जाएगा। इसको जूस को कितने जो है अरसे तक सही रहता है, कितने अरसे तक रख सकते हैं? फ्रिज में रहे तो 1-2 दिन रह सकता है। अच्छा जी, बट जूस थोड़ा काला भी तो हो जाता है वो, फिर टाइम के टाइम हो जाता है फिर। अच्छा, मशीन में से ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही थी? मशीन चलेगा, आवाज तो आएगी ना। कहाँ से? मशीन में से। मशीन में से कहाँ से? अंदर से ही, अंदर इसके अंदर से आवाज आ रही थी। तो आपने कौन सा बटन दबाया हुआ था जो ये चल रहा था? ये वाला था। अब इसको सफाई करने के लिए क्या करेंगे? ये खुलेगा यहाँ से, निकल जाएगा बाहर। अच्छा, ये सारी चीजें उधर गोल गोल घूमता रहता है जी, कच्चा सारा बाहर जाता है। अच्छा, एक कच्चा सारा अलग हो गया। अब इस कचरे का क्या करेंगे? फेंक देंगे इसको। ये खाया जा सकता है, पिया जा सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये फालतू है बिल्कुल। बस इसको जो है ऑरेंज जूस की कोई स्पेशल चीज बताएं कि ये क्यों अच्छा है पीने के लिए। हेल्दी होता है मतलब हमारे लिए गर्मियों में, और सर्दियों में विटामिन सी मिलता है इससे, उससे शक्ल अच्छी होती है, सेहत अच्छी होती है। अच्छा, वो छिलके लगाने से भी अच्छा होता है फेस पे। अच्छा, छिलके लगाने से? मुझे सुनाई दिया छीके लगाने से, मतलब फेस पे छिलके लगाने से। अच्छा, तो इसके छिलके कहाँ रखे आपने? आप लगाते हैं? नहीं, मैं नहीं लगाता। आपकी खूबसूरती का राज नहीं है ये छिलके? नहीं नहीं। क्या राज है? बस नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल है, सही है। और बस ये अब तैयार हो गया? तैयार हो गया बस ये। एक तो तैयार हो गया, सर्विस में हो गया तैयार। इसको बस ऐसे ही पी ले, तैयार है। तैयार है अभी। थैंक यू।